हम लोग के जो स्टार्ट करेंगे, मैं बेसिकली जो फोकस करना है क्या, ग्राफ को कैसे ड्रा करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ग्राफ जानते भी होंगे, अलग अलग तरीके से ग्राफ जानते होंगे, तो उसको जो है किस टाइप से उसको क्या करेंगे हम लोग ड्रा करेंगे, वो सभी चीज़ें के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे सेट थ्योरी, सेट क्या होता, ठीक है, सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। के बाद जो है इससे रिलेटेड जो भी चीजें, जैसे बताया था मुझे सेट्स के प्रॉपर्टीज चाहिए, फंक्शंस क्या होते हैं वो चाहिए, डोमेन्स क्या है वो चाहिए, रेंज फाइंड करना सीखेंगे, ये तो बेसिक चीजें क्या है, ये सबको क्या करना है डिस्कस करेंगे, तब हम लोग जो है ग्राफ को ड्रा करना सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, जो भी चीजें यहाँ पे बताएंगे उसको क्या करेंगे अच्छे से करते रहेंगे, और इस पे जो है क्वेश्चंस दिया जाएगा 2 दिन 3 दिन, जैसे ही क्लास थोड़ा सा कंटेन आ जाएगा तो क्वेश्चन जो है वहाँ पे उस टाइप से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है सभी लोग जानते होंगे, मोस्टली लगभग जानते होंगे सेट का डिफिनीशन से हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। तो सेट का जो डिफिनीशन है सभी लोग जानते हैं, कोई एक ऐसा कोई कैंडिडेट है बोल सकते हैं। सेट सेट इज अ वेल डिफाइंड सेट कलेक्शन इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, अच्छा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और कोई वेल है कुछ। डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मीन्स इट इज सेम फॉर ऑल द पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा चलो ठीक है, मतलब लगता है कुछ पढ़ रहे हैं ना, जो नहीं जानते यहाँ पे जानते ही होंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं डिफाइन करते हैं सेट जो है, एक्चुअली में क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ए सेट, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, हम लोग रफली इसमें निकलेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि ये बेसिक चीजें, अगर किसी को प्रॉब्लम हो बीच में अगर किसी तरीके का तो बोलेंगे बीच में, ठीक है। द सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का क्या है, ये कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट्स मीन्स अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से हो सकता है कि हम लोग जैसे अल्फाबेट्स का कलेक्शन कर रहे हैं, नेचुरल नंबर का कलेक्शन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का कलेक्शन कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर कॉलेज में वो हो जाएगा, तुम्हारा मैट्रिसेस का कलेक्शन कर रहे हैं वो हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिसेस का कलेक्शन कर रहे हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का कलेक्शन कर रहे हैं, या इस तरीके से जो भी है जो भी चीज़ें डिफाइन करेंगे उसके बेस पे क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, और उस कलेक्शन को सेट कहेंगे। बट कब कहेंगे, कैसे कैसे होना चाहिए, वो वेल डिफाइन होना चाहिए। तो ये जो वर्ड का यूज किया गया है इम्पोर्टेंट यहीं पे है, बाकी सभी चीज़ें जानते हैं, कलेक्शन मतलब जानते हैं हमको, वन बाई वन जो है उसको क्या करना है, इकट्ठा करना है, जो भी वो बोल रहा है जिस नेचर का वो बोल रहा है, ऐसा नेचर वाले जो टर्म्स है या ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे इकट्ठा कर लेंगे, तो वो हो जाएगा दिस इज द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल के रूप में, अगर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो पहला जो हम लोग टेक कर सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल, ऐसे ये जो स्टार्ट कर रहे होंगे बहुत बार पढ़े हैं बहुत सारे लोग, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट स्टूडेंट इन कोई भी कॉलेज है यहाँ पे, इन दिस कॉलेज, अपना कॉलेज भी मान सकते हैं। तो ये जो इस कॉलेज में ये जो कलेक्शन करेंगे इंटेलिजेंट स्टूडेंट का, तो किस बेस पे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन है नो सर, ना, नो सर, नो सर। सिंपल सभी को वेल डिफाइन कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, मान के चलते हैं कि हम लोग टोटल जो है 4 स्टूडेंट या 4 फ्रेंड है, कोई टीचर या कोई प्रोफेसर ने कुछ असाइनमेंट दिया, कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए दिया, प्रोजेक्ट में ये है कि अब ये मान के चलते हैं पहला स्टूडेंट है, उसके बाद ये सेकेंड वाला स्टूडेंट है, उस टाइप से ये जो है चल रहा है, इस टाइप से 4 स्टूडेंट है, ये चारों को एक असाइनमेंट दिया गया कि क्या करना है कि
जाकर कॉलेज में इंटेलिजेंट स्टूडेंट का क्या करना है, सूची तैयार करना है, यानी कलेक्शन करना है। कलेक्शन करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो ये अलग अलग वैरायटी। अब यहाँ पे तो कोई ऐसा मापदंड यहाँ पे तैयार, किसको बोलेगा इंटेलिजेंट नहीं है, किसको क्या कहेंगे। तो ये जो डाटा आएगा, हो सकता है ये जो लाया है उसमें से 10 स्टूडेंट लाया, ये जो है 8 ही स्टूडेंट लाया। हो सकता है कि दोनों में कुछ कॉमन भी हो, कुछ कॉमन नहीं भी हो। ये 15 स्टूडेंट ले आया, ऐसा भी हो सकता है। ये कुछ और ले आया। कहने का मतलब इसमें जो है, जो कलेक्शंस लाएंगे वो कलेक्शन जो टेक किया जाएगा वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अगर ऐसे पॉसिबिलिटी हो या ऐसा सिचुएशन हो जाए, तो वैसे सिचुएशन में क्या कहेंगे कि वो जो कलेक्शन है वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिखते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, एज्यूम करते हैं ये सभी चीज़ें समझ रहे होंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलेंगे। ये जो S1 है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड डायरेक्टली, देन S1 इज सर, नॉट ए सेट। हाँ क्या, एक स्टूडेंट को तो भी दिया जा सकता है, बोले एक स्टूडेंट को तो भी दिया जा सकता होगा, मतलब एक स्टूडेंट को क्या दिया जा सकता है? कलेक्शन करने के लिए हाँ कॉलेज के बिल्कुल स्टूडेंट दिया को। जा सकता है, लेकिन हमने बोला कि जैसे जो वेल डिफाइंड का कलेक्शन का मतलब हो गया कि कोई भी उस वर्क को करे, उस कार्य को करे, जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा वो करे। जैसे तुम हो, कोई और दूसरा दूसरा फ्रेंड है तुम्हारे, तुमने लाया कि चलो ठीक है हमने 10 स्टूडेंट का कलेक्शन करके लाया, ये आंसर यही है। वही प्रोफेसर कोई और दूसरे को देगा तो हो सकता है कुछ और लेके आए, सेम काम रहेगा। लेकिन जो डाटा तैयार करके लाएगा, जो कलेक्शन तैयार करके लाएगा, उसमें कुछ तुम्हारे से डिफरेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये पूछ रहे हैं। हाँ हो सकता है कि नहीं? जी सर, जी सर, हो सकता है। हाँ तो बिल्कुल वही हो गया। मतलब अगर डाटा चेंज हो रहा है, लोग को चेंज कर रहे हैं, अलग अलग लोगों के लिए वो जो कलेक्शन है अगर वो चेंज होता रहे, अलग अलग लोग के कोरस्पॉन्डिंग उसका जो कलेक्शन है अगर वो चेंज हो, तो उस वैसे कलेक्शन को वेल डिफाइंड नहीं कहते हैं, उसको लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? जी ओके, सर, तो वही चीज यहाँ पे है कि S1 इज नॉट वेल डिफाइंड, देन ये S1 जो है ये सेट नहीं है। तो ये सेट किस में, ये जो कलेक्शन होता है वो कैसे, आगे जब पढ़ोगे या फिर पटना यूनिवर्सिटी में होंगे तो पढ़े होंगे कोई अगर ऐसा है तो, उसमें फजी सेट का, फजी सेट या क्रिस्प सेट जो है वो पढ़ना होता है। तो वो वाले सेक्शन में ये सब इस कलेक्शन जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा है, यहाँ पे पहले हम लोग वेल डिफाइंड का जो है यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं। वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मीन्स द कलेक्शन, द कलेक्शन इज सेम फॉर ऑल पीपुल, ओवर द वर्ल्ड, सबके लिए ये क्या हो, सेम हो जाए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। दूसरा जो है बताते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं जो जाना पहचाना है, अच्छा रहेगा। जैसे S2 लेते हैं, S2 जो है द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, क्या ये वेल डिफाइंड है? यस सर, यस यस सर, वेल डिफाइंड है, सभी के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि कलेक्शन कहा जाए, सबसे ऑब्वियसली में से टोटल जितने स्टूडेंट है उसमें बोला जाए कि कलेक्शन करो नेचुरल नंबर का, तो कुछ सोचेंगे, कहेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है, यही कहेंगे। सब लोग वही लिखेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हाँ कुछ अलग अलग टेक करेंगे। तो इस तरह का जो कलेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, सभी के लिए पूरे वर्ल्ड में उसका जो डिफाइन करने या कलेक्ट करने के लिए अगर दिया जाएगा, तो वो चीज़ें क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। वो कलेक्शन जो करके लाएगा वो सेम कलेक्शन करके लाएगा, बस यही चीज है। डन,
ओके okay. तो ये जो हो गया बोल सकते हैं कि दिस कलेक्शन इज, या S2 जो है वो क्या है, इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन. देन ये जो S2 हो गया, S2 इज ए सेट, ये सेट है. बेसिक चीजें यहीं से पूछा जाता है जनरली, कि अगर डिफिनीशन, अगर इंटरव्यू में अगर सेट का डिफिनीशन पूछेगा तो फोकस करेगा कि क्या इसके बारे में जानते हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन के बारे में जानते हैं, बस ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें पे भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं. आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत किसी को? गुल फॉर्म समझ में आ गया? यस सर। तो अब जो है जनरली क्या होता है कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इन जनरली, तो इसको भी हम लोग टेक कर लेते हैं. द सेट इज ए जनरली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर. अभी जो है बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी बुक में ऐसा नहीं कि कुछ अलग से देखने की जरूरत है, ये बेसिक चीजें हैं. तो जहाँ पे भी ये सभी चीजें पढ़े हैं, चाहते हैं कि और इसको बेहतर करना चाहते हैं, टाइम है, तो उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, जो भी बुक्स पढ़े हैं ग्रेजुएशन में सेट से रिलेटेड, वो टेक कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए. बाकी जो उससे रिलेटेड जितने सारे फैक्ट्स रहेंगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा चीजें उसमें दिखेगा, वो यहाँ पे हम यहाँ पे करवा देंगे. तो अभी बुक्स के लिए अभी इधर उधर नहीं देखना, जैसे ही फंक्शन फंक्शन पहुंचेंगे तब बताएंगे कौन सा बुक को टेक करना है, अगर रेफरेंस एज ए रेफरेंस. कलेक्शन ये जो है तुम्हारा सेट को जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, लेटर जैसे ए बी सी डी इस टाइप से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस है, सम स्टैंडर्ड नोटेशन जो पहले करते थे, लेकिन उसका नोटेशन जो है थोड़ा सा सिंपल तरीके से करते थे, लेकिन जो जैम का जो क्वेश्चंस आएंगे या जैम में जो नोटेशन यूज किया जाता है, इस नोटेशंस को हम लोग आगे लेके पढ़ेंगे, सम स्टैंडर्ड नोटेशन. सम स्टैंडर्ड नोटेशंस उसमें है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये वाले नोटेशन. ये होता है क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन. पहले क्या करते थे ग्रेजुएशन में, क्या करते हैं इसको सिंपल एन से डिनोट करते हैं, है ना, लेकिन इसमें एन से नहीं, इसको एन ऐसे लिख दिए, ऊपर से ये एक लाइन क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे. यह स्टैंडर्ड नोटेशन हो गया, जो जैम के क्वेश्चंस में इसी तरीके का नोटेशन यूज किया जाएगा, या जैम के या जो भी स्टैंडर्ड नेट का हो, या ये सब का जो एग्जामिनेशन होते हैं गेट उट का, उसमें ये नोटेशन देखने को मिलेगा. ओके आगे चलते हैं, जैसे सेकेंड वाले में, सेकेंड में देख सकते हैं जेड हो गया, जेड ये कलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स हो जाएगा. थर्ड जो नोटेशन है यहाँ पे आर, इस टाइप से द रियल कलेक्शन ऑफ, नंबर हाँ जी, द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर. ये बेसिक चीजें हैं, तो इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जानते हैं, जैसे प्ले ग्राफ रिलेटेड पढ़ेंगे, लेकिन जो भी लगेगा कि मान के चलो कि कहीं दिक्कत हो रहा है, मानो कि किसी सेक्शन में आगे जब प्रोसीड करें, आगे बढ़ें, तो वो सेक्शन में लगे कि नहीं इसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है, तो उस हिसाब से उसको क्या करेंगे, पढ़ते चले जाएंगे. अभी कम टाइम देने की जरूरत है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से जैसा रिक्वायरमेंट लगेगा अपने हिसाब से उस चीज को डिसाइड करेंगे. क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब कुछ और हमें देखने की जरूरत है, जो ग्रेजुएशन में पढ़े उस चीज को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है. अगर किसी को पार्टिकुलर सेक्शन में या पार्टिकुलर टॉपिक में अगर कोई किसी तरह का दिक्कत है तो मुझे बोले, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, वो चीज हम करवाएंगे, ठीक है. दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स. फोर नंबर में है
तुम्हारा सी ले सकते हैं, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर फाइव में यहाँ देख सकते हैं क्या, क्यू इस टाइप से, क्यू इस टाइप से, ये क्यू नहीं, क्यू इस टाइप से, इस टाइप का, ठीक, दिस इज द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन की जगह पे सभी तो सेट ही है, ऐसा कलेक्शन भी बोल सकते हैं, सेट कर दो ज्यादा चलेगा, द सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ठीक है, और बीच में अगर कुछ और टर्म्स आएंगे वो बीच में हम लोग टेक करते रहेंगे, चलो ओके। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, कि अगर एस ले रहे हैं क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सर इरेशनल कनोटेशन चाहते हैं जी। उसका भी चाहते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, क्यू कॉम्प्लीमेंट, इरेशनल नंबर से क्या समझते हैं, क्यों इरेशनल नंबर को अगर नॉट डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन करोगे, ये वैसा रियल नंबर जो क्या हो, रेशनल नंबर नहीं है, है ना, या फिर ऐसा करें कि अगर कट्स पड़े होंगे तो कट्स में अगर अगर यहाँ पे ये रियल नंबर लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे अगर कोई भी कट टेक करते हैं तो ये कट जो है टू टाइप का होगा, रेशनल और इरेशनल, नोटेशन है तो सिंपल इसका कॉम्प्लीमेंट टेक कर लेंगे, ठीक है, और ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक ओके। ये यहाँ पे कर रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा सिंपल है, ये आ जाएगा तुम्हारा जीरो प्लस माइनस टू प्लस प्लस माइनस सिक्स, ठीक है, फोर फोर कर देते हैं, सिक्स हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे ये तो जानते हैं कि अगर दो इवेन को ऐड करते हैं तो क्या देता है, इवेन नंबर इवन इवेन देता है ना, इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, दो इवेन को अगर ऐड करें तो, सर एग्जाम्पल नहीं और कोई तरीका इन जनरली नहीं सर नहीं कर सकते हैं, कोई भी एनीवन, अच्छा सर इवेंट इवेंट कॉमन ले लेंगे इवेंट इवेंट कॉमन इवन इवन कौन ले लेंगे, अच्छा ठीक है, मान के चलते हैं कि हम लोग टेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ए और बी जो है, या फिर ये दोनों को दोनों क्या है, आर टू इवन, ठीक है, इवन इंटीजर, तो ए कैसा होगा, ए किस टाइप का होगा, टू या टू एम टाइप मल्टीपल, का टू ये एम, डिविजिबल बाय टू टू एम वन, टू एम टू, ऐसा लिख सकते हैं, एम वन एम टू बिलोंग कर रहा है जेड से, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, इवेंट देगा तो जोड़ के देखते हैं यहाँ पे इस टाइप से, कि मान के चले यहाँ पे ए प्लस बी कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं, तो टू एम वन प्लस टू एम टू, यानी कि टू इंटू एम वन प्लस एम टू, इसको मान लेते हैं टू एम थ्री, वेयर एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू एम थ्री, दिस इज बिलोंग्स टू जेड, बिकॉज एम वन एम टू बिलोंग्स टू इंटीजर, देन द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर, देन इस टाइप से फॉर्मेट में हो गया, यहाँ से फिर बोल सकते हैं कि ये जो हो गया ए प्लस बी जो है वो इवेन, और दो ऑड का सम, टाइप दो ऑड का सम क्या हो जाता है, ए सेम बराबर एम ले लेंगे क्या इवन हो जाएगा सर सेम रहेगा हो तो इवन जाएगा, इवन सर हमेशा या फिर सेम रहेगा, तब हमेशा होगा सर हमेशा श्योर है,
अच्छा ठीक है, ऐसे देख लेते हैं यहाँ पे भी। सर 2m-1 में हाँ वैसा ही टेक कर लेंगे, या 2m+1 भी टेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑड में जो है, अगर ऑड ले रहे हैं तो ऑड प्लस ऑड जो होता है वो हो जाएगा इवन। यहाँ पे कैसे टेक करेंगे, तो मान के चलते हैं कि हमने क्या लिया है, ए और बी जो है आर टू ऑड इंटीजर्स। तो अगर ऑड इंटीजर्स है तो हम लोग ऑड को लिख सकते हैं क्या, 2m1-1 या फिर 2m1+1, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं किसी भी ऑड को, क्योंकि 2 का मल्टीपल नहीं है तो ऐसा ही फॉर्मेट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, एंड बी इक्वल टू भी इसी टाइप से लिख सकते हैं कि 2m2-1 या फिर 2m2+1, दो अलग अलग है तो m1 m2 यहाँ पे यूज किए, और यहाँ पे बोल देंगे कि वेयर ये जो m1 है और m2 है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, जेड से। तो ये जो ए प्लस बी करेंगे, मान के चलते हैं कि हम लोग यही फॉर्मेट को टेक कर रहे हैं ये दोनों को, अगर इसमें से ये भी लेंगे, ये वाला और ये वाला लेंगे, मतलब ऐसे लेंगे ऐसे लेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला टेक करेंगे इसके साथ करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये और ये अगर टेक कर लेते हैं स्टार्टिंग वाले फेज में, तो 2m1-1+2m2-1, यहां से क्या हो जाएगा, 2m1-1+2m2-1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 into m1-1, m1+m2 और माइनस क्या हो जाएगा 1, ये आएगा है ना। जैसा कि देख रहे हैं कि m1 और m2 क्या है, इंटीजर है और -1 है, तो ये टोटल इंटीजर ही होगा। जैसे कि देख रहे हैं सिंस यहाँ पे m1 m2 और ये 1 जो भी है ये इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, तो m1 plus m2 -1, इसको अगर हम लोग मान के चलते हैं कि ये m3 है, लेट करते हैं, तो ये जो m3 होगा वो बिलोंग कहाँ पे करेगा, जेड में। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि a+b इज इक्वल टू हो जाएगा 2m3, 2m3। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या देगा, इवेंट इम्प्लाई देगा। करेगा यहाँ पे जो हो गया a+b जो है वो इवन, क्योंकि 2 का मल्टीपल हो गया ना उस फॉर्मेट में, तो ऐसे। तो अब ये बताओ 0 इवन है या ऑड है। इवेंट है सर। अच्छा एक इवन और एक ऑड को मल्टी सम करें तो क्या देगा, एक इवन एक ऑड, और देगा। ऑड और देगा देगा है ना। अब तो सर। यस सर। कर सकते हैं, अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो ओके। तो यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं कि अगर एक ऑड है और एक इवन है, एक ऑड है और एक इवन है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये ऑड देगा, क्लियर। किसी को प्रॉब्लम, ऐसा ही लेके चलेंगे ऐसे ही। देखो सोचो यहाँ पे कि अगर एक इवन ले लिए कि ए को इवन मानते हैं तो 2m1, और बी को ऑड मानते हैं तो 2m-1, दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 2 into m1+m2-1, ये कौन सा फॉर्मेट में है, तो ये वाले फॉर्मेट में है, तो ये ऑड हो गया, डन ओके। तो ये चीजें हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि 2 जो है वो इवन है, -2 जो है इवन है, तो इवन इवन क्या होगा, तो इवेंट ये देगा तो क्या देगा, इवन ही देगा है ना। तो 0 क्या है, इवेंट है सर। इवन, ठीक है। ये प्रूव करवा रहे हैं कैसे करेंगे, बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे किया जाता है। सर ओड में भी तो हो सकता है ना। थ्री बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। तो 2 ऑड को सम करेंगे तब ना, दो दो ऑड को सम करते हैं तो क्या देता है, इवेंट देते हैं। इवन ही देता है ना, तो इवन तो रहेगा ही। मान के चले किसी के लग रहा है कि 3 है, -3 है ना, तो ये हो गया ऑड और ये भी हो गया ऑड, तो 2 ऑड को सम करते हैं तो क्या देता है, इवन, यानी 0 क्या देगा, इवेंट देगा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में भी देखेंगे तो वैसा ही रहेगा, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इसका जो एलिमेंट्स का जो नोटेशन होता है, जैसे सेट जो दिया हुआ है, सेट में जैसे फॉर्मेट में अगर देखा जाए, लेट एस बी ए सेट, देन एस को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं कि
कलेक्शंस कर रहा है, एक्स टाइप का एलिमेंट को कलेक्शन कर रहा है, तो अगर कहीं पे लिखा रहा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है एस से, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एस, इसको हटा दो, ऐसा ही लिखो। एक्स अगर बिलोंग कर रहा है तो ऐसा बोल सकते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे, सभी लोग जानते होंगे कि एक्स अगर बिलोंग करता है तो इसको पढ़ेंगे क्या, एक्स बिलोंग्स टू एस, इस टाइप से पढ़ेंगे। सिंपल चीज है, सेट के एलिमेंट्स को जो है स्मॉल लेटर से टेक करते हैं, तो ये भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे द एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट एस इज जनरली डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये रिवाइज करवा रहे हैं सभी चीजें। ओके, एक जो देखे थे यहाँ पे, ये जो इवेंट वाला जो आया था, इसका एक और भी नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं। कौन सा नोटेशन? टू जेड, टू जेड, टू का मल्टीपल ऐसे, टू एम, एम बिलोंग करेगा जेड से, क्योंकि इवेन वाला है तो ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या है, तो ये नोटेशन है, ठीक है। और नोटेशन में ऑड को, हाँ बोलो, ऑड को, ऑड को टू ऑड को भी लिख सकते हैं ऐसे, हाँ टू जेड माइनस फोर। वैसा लिख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, अगर उसको टेक करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू एम माइनस वन, एम बिलोंग करेगा जेड से, ये शॉर्ट फॉर्म में होगी। बाकी चीजें इसमें एम का वैल्यू पुट करेंगे तो वो देगा अपने हिसाब से। यहाँ पे वन हो जाएगा, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव, इस टाइप से चलाएं। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग टेक करते हैं कि अगर हम लोग इसका नोटेशन की अगर बात करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओ, यहाँ पे टू का मल्टीपल था, यहाँ पे ऐसे कोई किसी खास टाइप का मल्टीपल नहीं है, इसको नोटेशन रहने दो, इसको नोटेशन नहीं टेक करेंगे। ऐसे अगर रहता है, मान के चलते हैं थ्री का मल्टीपल हो, ठीक है, ऐसे, कहने का मतलब क्या हो गया, जीरो है, प्लस माइनस थ्री है, प्लस माइनस सिक्स है, प्लस माइनस नाइन है, प्लस माइनस ट्वेल्व है, इस टाइप से अगर चलता है, इसका जो नोटेशन है हम लोग लिख सकते हैं थ्री जेड, ठीक है, इस टाइप से, डन। तो अगर मान के चलते हैं कि जैसे कि थ्री का मल्टीपल हो गया, जैसे कि अच्छा हाँ एम बोलो, के जगह पे, सर एम के जगह पे ना थ्री का मल्टीपल। एम के जगह पे नहीं, एम तो यहाँ पे वेरी कर रहा है, एम का वैल्यू जीरो लेंगे तो जीरो हो जाएगा, सर यदि एम का वैल्यू यदि टू लेंगे तो क्या कहते हैं, तो 6 हो जाएगा, तो 6 तो इवन हो गया ना। तो ऐसा थोड़ी होता है कि अगर तीन का मल्टीपल है तो इवन नहीं होता है, दो का मल्टीपल होता है तो श्योरली हो जाता है कि वो इवन ही होगा, लेकिन अगर तीन का मल्टीपल है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तब तो दोनों होगा सर, इवन और ऑड दोनों। हाँ, दोनों की पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे भी इवन भी आ रहा है, ऑड भी आ रहा है, हम नोटेशन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो चीजें तो सिंपल है। ओके, तो अगर एस इज इक्वल टू रहे फोर एम, एम बिलोंग करेगा जेड से, फोर एम, एम बिलोंग करेगा जेड से, तो इसको कैसे डिनोट करोगे? फोर जेड, क्या फोर का मल्टीपल, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि सिमिलरली अगर मान के चलते हैं कि फोर एनी फिक्स्ड के बिलोंग्स टू जेड, कोई जो है के जो है जेड में बिलोंग कर रहा है, के जगह पे जैसे यहाँ पे फोर था, थ्री था, ऊपर में देखेंगे तो टू था, वो बोल रहे हैं कि कोई फिक्स एक बार ले लेंगे, वन ले लेंगे, टू ले लेंगे, थ्री ले लेंगे, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस टाइप से टेक कर सकते हैं। तो यहाँ जो आएगा
तो हम लोग इसका जो नोटेशन चेक करेंगे, या फिर ये जो सेट हो जाएगा कि के का मल्टीपल और एम को वेरी, इससे इसका तो यही नोटेशन। पता, हाँ बोलो। इससे तो पता चलता है इवन का मल्टीपल लेंगे तो इवन ही होगा, लेकिन ऑड का मल्टीपल लेंगे तो हो सकता है इवन भी हो और ऑड भी हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये नोटेशन इसका क्या हो जाएगा? इसमें पहले एलिमेंट की अगर बात कर लेते हैं, तो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे? पहला हो जाएगा क्या, एम का वैल्यू अगर 0 टेक करेंगे, 0 आ जाएंगे। फिर आ जाएगा तुम्हारा क्या, प्लस माइनस के, प्लस माइनस 2 के, प्लस माइनस 3 के। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था के का, तो इसको कैलकुलेट करके लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो यहाँ कैलकुलेट नहीं किए, बाकी चीजें तो वही है। और इसका जो नोटेशन हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, के जेड टाइप का। ये सब जो नोटेशन है ना, ये हम लोग करेंगे यूज मॉडर्न जेब्रा ग्रुप थ्योरी में, ये सब टर्म का यूज करेंगे ज्यादातर, ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नोटेशन सभी देख रहे हैं, ये जो टॉपिक जितने भी पढ़ रहे हैं ये सभी जगह यूज होंगे, थोड़ा थोड़ा करके हर जगह, लेकिन मोस्टली जो है रियल लाइफ में देखने को मिलेगा। तो के जेड टाइप के इस टाइप से डिनोट करेंगे, के का वैल्यू चेंज करेंगे, के का वैल्यू 1 लेंगे तो ये आ जाएगा जेड के बराबर, के का वैल्यू 2 ले लेंगे तो 2 जेड हो जाएगा, यानी इवन वाले हो जाएंगे, के का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 जेड हो जाएंगे, इस टाइप से। तो यहाँ पे पार्टिकुलरली हम लोग डील कर लेते हैं कि अगर पुट करते हैं, इफ पुट ए के का वैल्यू 1, तो ये जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें नोटेशन भी टेक कर लेते हैं कि यहाँ पे के कर देते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा, सेट से डिनोट कर दिए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा S1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, जेड 1 इंटू जेड, यानी सिंपली जो है कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा। खुद यहाँ पे देखो कि अगर के का वैल्यू देते हैं 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +-1 और ये हो जाएगा +-2 और ये हो जाएगा +-3। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर, जितना भी हो सकता है उसका कलेक्शन हो जाएगा। अगर हम लोग पुट करते हैं के का वैल्यू 2, तो ये जो हो जाएगा S2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जेड, यानी कि ये हो जाएगा द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। चलो, अब ये सब चीजें क्या है, छोटी छोटी चीजें, लेकिन क्या है कि इस सबको एक बार रिवाइज कर रहे हैं, कुछ नया चीज जो नोटेशन से रिलेटेड जो चीजें होगा वो थोड़ा सा सीखने को मिला होगा। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं सभी चीजें, मोस्टली चीजें जानते हैं। अब इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर के का वैल्यू कहेगा 3 लेंगे तो ये 3 जेड हो जाएगा, जो ऊपर में देख रहे हैं, ऊपर में हम लोग टेक भी किए थे, यहाँ पे देख रहे हैं है ना 3 जेड। इस टाइप से ये नोटेशन हो गया, इसका जो फॉर्मेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 3 एम, एम बिलोंग करेगा जेड से। इसका जो एक्चुअल मतलब हो जाएगा ये हो गया, इसको और एलिबरेट करके लिखना चाहते हैं तो ऐसा हो गया, यानी माइंड में ऐसा होना चाहिए, ये जब भी बोले 3 जेड तो माइंड जो है डायरेक्ट रिएक्ट करना चाहिए, एक ऐसा लिख सकते हैं ऐसे, इसका एक्सप्लेन या फिर डिटेल्स में इस टाइप का सिचुएशन। अगर कोई सोचेगा कि आप पहले ये तो बोले हो कि ये तो कोई फिक्स है तुम्हारा इंटीजर से, तो ऐसा क्यों टेक किए, नेगेटिव क्या है ना ले रहे हैं, तो नेगेटिव ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। कोई कहेगा कि पुट करते हैं कि के का वैल्यू 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, S0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू जेड, मतलब क्या हो जाएगा 0 इंटू एम, एम बिलोंग करेगा जेड से। तो खुद सोचे क्या आएगा इस घर में, 0 हो जाएगा सर। बस 0 सिंगल। उसी तरीके से कोई कहेगा नहीं माइनस पुट करेंगे तो क्या होगा, तो करो S-1, तो ये हो द जाएगा क्या कलेक्शन ऑल, ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। सही में है? नहीं सर, मैंने सिर्फ नेगेटिव वाला आएगा जी, देखो तुम्हारे सामने करते हैं। यहां तक ठीक है ना? यस सर। हाँ जी, तो बताइए एम का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 हो गया, एम का वैल्यू 1 लेंगे तो -1 हो गया, और एम का वैल्यू -1 लेंगे तो +-1 हो गया, यस प्लस सर, माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस यस 3 हो इंटीजर। गया, किसके बराबर है, हाँ सर, जेड। इवन इंटीजर हाँ सर, ऑल ऑल इंटीजर। यस सर। ठीक है, ओके। बाकी लोग, अवनीश ठीक यस सर, समझ गया रहे सर। है ना? यस चलो सर, बढ़िया, ये सभी चीज़ें बेसिक चीज़ें, बाकी लोग ये ठीक है। और रौनक, हाँ समझ गया सर। जी ठीक है, हाँ यस क्लियर सर, है। हाँ, यस कोई सर, प्रॉब्लम होगा तो बोलेंगे, ठीक। ठीक सर।
फॉर्म तो सही है, ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बाकी लोग हम जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं, इसलिए बाकी से नहीं पूछ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सर पूछे नहीं है, ऐसा नहीं सोच रहे हैं, ठीक है आगे अभी बताएंगे। कुछ पूछते हैं आप सभी से, एस जो है -2 ये किसके बराबर होगा? चंदन, और कौन चंदन? ये दो चंदन है, इसको क्या नाम दें? चंदन कुमार कांति, ये किसके बराबर होगा बताओ? यहाँ पे -2 कर देते हैं, जेड है ना, ये -2 इंटू इवेंट एम, हाँ इंटीजर सही, इवेंट और इवन इंटीजर, ठीक इंटीजर है होगा। इवन हो हाँ जाएगा, सही है, सही होगा। ठीक है सभी लोग हैं। तो कहने का मतलब जो है, इधर कर रहे हैं तो इधर भी कर सकते हैं, तो ये नोटेशंस का चक्कर है। तो ये सभी चीजें जब आएगा तो थोड़ा सा भी माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि यार ये तो जानते ही नहीं है, हर चीज से यहाँ पे वाकिफ हो गए, नेगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो, तो ये नोटेशन किस तरीके से बिहेव करेगा, इसका क्या मतलब होगा, वहां पे सोचने की जरूरत नहीं पड़े। ओके चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे सभी लोग पढ़े हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं एस इज इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस जिसका डोमेन जो है विथ डोमेन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड को डोमेन जो है वो आर है, सेट ऑफ रियल नंबर। कहने का मतलब क्या है कि फंक्शन का कलेक्शन है जिसका डोमेन क्या है, ए से बी है, कोडोमेन आर है, और एफ जो है वो फंक्शन, ऐसे भी डिनोट करते हैं, एफ इज ए फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये जो हो गया एक कलेक्शन है, ये भी एक सेट का रूप होगा, ये सेट होगा, यस इसका नोटेशन होता है सी ए बी, ठीक है सी ए बी ये नोटेशन है, ठीक है ये नोटेशन है। तो अब मुझे बताएंगे कि अगर हम लोग टेक कर लेते हैं यहाँ पे C01, सुमित बताएगा इसको पढ़ के बताओ क्या लिखेंगे इसमें, सुमित इसमें सर, हाँ जी इसमें सुमित, सर ये जो लिखे हैं इसका क्या मतलब समझेंगे? मतलब सी इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। नहीं ये सेट है ना, ये नोटेशन हो गया, इस सेट का नोटेशन बताएं कि अगर ऐसा है कि क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में अगर इस टाइप का सेट होगा तो इस सेट को क्या बोलते हैं, ये कलेक्शन हो गया, और इसका नोटेशन ऐसा हो गया द कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए टू बी और टू आर, यानी कि डोमेन जो है क्लोज इंटरवल ए बी है और को डोमेन आर है। इसको भी लिख के बताओ मुझे कि अगर ऐसा लिखा रहे कहीं पे क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए तो इससे क्या समझेंगे? हाँ फंक्शन कंटिन्यूअस होगा 0 से लेकर 1 तक। और मतलब डोमेन जिसका 0 से 1 है और कोडोमेन यस क्या है, आर आर है आर ना, कोई तो ये जो हो फंक्शन जाएगा ऐसे लिखेंगे, एफ जो है 0 से 1 0 से 1। टू आर सच दैट कि एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके जो इसका डबल कुछ बिंदा देते हैं एफ के बाद, मतलब ही देते हैं एफ डिफाइन के बाद सही जो बिंदा बिंदा है ना, देते हैं उसको सच डेट कहते हैं ना। हाँ जी इसको भी सच डेट डिफाइन करते हैं और सच इसको भी सच डेट डेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहते हैं क्या, ये नोटेशन हो गया फंक्शन को, ये जो बिंदा यहाँ पे दिख रहा है ये वाला जो है नोटेशन हो गया, ठीक है
फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का, यहाँ पे बतलाने का, जिसका डोमेन यहाँ पे ये है और कोडोमेन यहाँ है, और सर इसको भी पूछे सच डेट कहते हैं, ठीक है। जी, लेकिन अगर यदि यहाँ पे लिखे पढ़ेंगे ये वाला बिंदा तो है, एक बार सुन लो, ये वाला जो बिंदा है या जो भी टेक कर रहे हैं, इसको बोलेंगे क्या सच डेट, यहाँ पे नहीं, ठीक है। ये साथ में फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, लिखते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं, ओके। यस यहाँ पे भी वैसा ही सिचुएशन हो जाएगा, तो अब यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 2 फंक्शन जो हो गया, और ऐसा फंक्शन सच दैट कि एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। सर जी सर ये कोडोमेन रियल नंबर है, इसका मतलब कि 1 से लेकर 2 तक का जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वह रियल नंबर से बिलोंग करता है क्या? मतलब इसका ये मतलब जो क्या लिए होता हैं, है? हाँ सर, जैसे फंक्शन क्या होता है कि अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेंगे, अगर फंक्शन थोड़ा सा सभी लोग जानते ही होंगे, एफ एक्स अगर लेते हैं क्या, कि यहाँ पे एक्स आई लेते हैं, या फिर एक्स प्लस एक्स आई लेते हैं, ठीक है, ऐसा लेते हैं। आई क्या यस है, आई -1 से, अंडर रूट आई माइनस वन है, होता और यस एक्स बिलोंग कर रहा है मान के चलते हैं 0 से 1। तो ये बताओ कि ये जो फंक्शन होगा क्या ये रियल नंबर में जाएगा? नो सर, कभी कॉम्प्लेक्स कभी हो नंबर सकता नहीं है। सर, रियल तो सर जी को देखने रियल हो जाएगा। वही कह रहे हैं, मतलब जैसे हमेशा ऐसा नहीं ना होगा कि बोल देंगे कि इसका डोमेन कोडोमेन जो है वो रियल नंबर, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं ना। नो सर तो इसमें जो है चेंजिंग सिर्फ यही है कि इसका कहने का मतलब हो गया कि यह फंक्शन रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन का मतलब जिसका कोडोमेन जो है वो क्या हो गया, रियल है और डोमेन भी रियल है, ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर, ऐसा ओके बोल सर, सकते। ऐसा नहीं कि ओके आर ले लिए हैं तो कोडोमेन है, यह सबसे बड़ा ले लिए हैं, छोटा भी हो सकता है 0 से लेके 1 तक ही हो रेंज में, ऐसा भी हो सकता है, वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। लेकिन जब हम लोग ये डिफाइन करते हैं तो ये जो है डोमेन यहाँ पे फिक्स रहते हैं, लेकिन कोडोमेन जो है यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ा लेके चलेंगे इस नोटेशन के लिए। अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो हमेशा रिएक्ट करना चाहिए कि अच्छा ऐसा लिख दिया है, इसका मतलब वैसा वैसा कंटिन्यूअस फंक्शन जो क्या हो, जिस जो 0 से लेके 1 के बीच में कंटिन्यूअस हो, यानी जिसका डोमेन उस डोमेन में, और कोडोमेन जो है वो आर है, सबसेट ऑफ रियल नंबर भी है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे फॉर ओके एग्जांपल में ये यहाँ देखते हैं क्या, कि अगर हम लोग टेक कर लें, अगर हम लोग टेक कर लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, साइन फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, फिर इट्स कंटिन्यूअस फंक्शन, और ये कंटिन्यूअस किस पे होता है, पूरे के पूरे रियल नंबर पे होता है। तो क्या ये एफ जो है बिलोंग करेगा इसमें? हाँ सर, बिलोंग करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि फंक्शन अगर पूरा का पूरा आर में कंटिन्यूअस है तो किसी भी सबसेट में कंटिन्यूअस हो सकता है आर के। अभी सेट पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ने लगे हैं, तो यही थोड़ा सा होता है कि अब इसमें थोड़ा सा फ्री होके बात कर सकते हैं, चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है, ये कहीं पे स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो नहीं पता चलता। अब क्या चीज़ें पूरा कनेक्टेड है, थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ें जानते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसमें बढ़ सकते हैं आगे। तो वही चीज़ें ऐसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, अब जो है बिलोंग करेगा क्या, 0 से 1 इस तरीके से। इसी में क्यों करेगा, अब कोई कहेगा नहीं इसमें भी तो करेगा, बिल्कुल करेगा, यहाँ पे C 1 2 इसमें भी करेगा, अब कहेगा नहीं और करेगा, तो लो ठीक है, एफ जो है बिलोंग करेगा सी क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब अब आर्बिटरी ले लिए, वेयर ए और बी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और ए जो है लेस देन बी है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तो ऐसा ही डिफाइन करें। ओके चलो, ये नोटेशन भी ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कलेक्शन है, एस जो है यहाँ टेक करते हैं एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस, द कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ रियल एंट्रीज
माटी सेज पढ़ चुके होंगे, है ना? नहीं भी यस पढ़े हैं तो कुछ जानने की जरूरत नहीं, सिंपल सा चीज है ऐसे। फर्स्ट ईयर तो सब पढ़े हुए किए होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो कम से कम तो 11 12 तो पढ़े हुए किए होंगे। ये तो वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो ये है मैट्रिसेस का कलेक्शन 3x3 का, इस टाइप से लिखते हैं। और ये जो AIJ है, ये बिलोंग कर रहा है कहाँ से? R से, रियल इंट्रीज। ये बोल रहा है दिस इज द रियल इंट्रीज फॉर ऑल। I जो है और J जो है, दोनों का वैल्यू जो है 1 से लेके, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये एक सेट है, तो ये सेट जो बनाएंगे वो सब क्या होगा? यूनिक सेट होगा, ये सेट हो जाएगा, ये भी एक सेट है। तो ये जो सेट है, यहाँ से क्या समझेंगे, इसका जो नोटेशन है, हम लोग जब लिनियर जेब्रा पढ़ेंगे तब इसका नोटेशन का अच्छे से यूज करेंगे। फिलहाल अब यहाँ पे यूज कर लेते हैं, यहाँ पे इस टाइप से लिखेंगे M, यहाँ पे 3x3 R, ठीक। दिस इज द नोटेशन। ये नोटेशन यार बीच में रखने का मतलब ये बतला रहा है कि एंट्री कहाँ से लेना है, तो एंट्री लेना है रियल नंबर से। यहाँ सी कर देंगे तो एंट्री कहाँ से लेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर से। इसमें चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं यहाँ पे? तो यस अब जो है यहाँ पे बताएंगे कि अगर यहाँ पे हम लोग टेक करते हैं, जिसे पूछेंगे बोलेगा यहाँ पे 4x4, और यहाँ पे डालते हैं सी। इसको थोड़ा सा क्या करो, सेट में लिख के बताओ, खुशी है कि नहीं? इसको कैसे लिखेंगे? AIJ 4x4, फिर सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करें। खुशी है तुम? आवाज आ रही है खुशी? अंजनी है? सर हाँ, तो क्या होगा इसका, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? सर वैसे ऊपर के हैं, ए इक्वल टू AIJ 4x4 और और AIJ बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर आई जे इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1 2 से लेके 4 तक, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये बताना है 4x3, और यहाँ पे करते हैं क्यू। उसका लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, हाँ जी रौनक, रौनक है? हाँ सर, आवाज जा रही है? तो इसको बताओ कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन करो गलत सर सही जो भी ये सोचते हो। सर ए इज इक्वल टू ए आई जे हाँ 4x3 एंड ए आई जे बिलोंग्स हाँ फोर टू क्रॉस थ्री, रेशनल ठीक नंबर्स क्यू। सर ए आई जे बिलोंग्स टू क्यू रेशनल बिल्कुल। नंबर्स फॉर ऑल ए आई जे इज इक्वल टू सर 1 2 3 4। सही में आई जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, आई एक वन मिनट, नहीं टू नहीं सर एक मिनट सर, थ्री आई हाँ सर यस फोर सर यस सर, हाँ तक बीच में नहीं बोलो, बोलने तो हम जानते हैं कि तुमको पता है, इसलिए नहीं पूछ रहे। थोड़ा सा तो जो और सर जे थ्री है तक उसके सर, लिए जे जो है 1 2 3, थ्री तक, तुमको भी थ्री मौका तक सर, देंगे, ठीक है? थ्री ओके, अब सुमीते बताएगा, बताओ क्या होगा, इसको डिफाइन करो जी। सुमित बोलो आप। यस सर। हाँ बोलिए। ए हाँ इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन सच दैट ए आई जे बिलोंग्स टू आर, जहाँ जहाँ आई 1 2 से लेकर एम तक बिल्कुल सही, और जे 1 2 से लेकर एम तक। एम तक, ठीक है ओके, एन तक है ना? तो ये चीजें डिफाइन कर दी है इन जनरली। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एम, एम क्रॉस एन, ठीक है।
विथ रियल इंटरेस्ट, वैसे ही सभी को डिफाइन कर सकते हैं। तो सभी लोग जो भी नहीं बताए वो भी जानते ही होंगे, एक बार जो है इसको डिफाइन करोगे एन क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स, सुभाष। हाँ सर, सर ये बोलिए। पढ़ी है आज हाँ जी, एम क्रॉस एन, एन क्रॉस एन या एम क्रॉस एन? सर एन क्रॉस एन अच्छा, ए आई जे कहाँ से? हाँ, सर कॉम्प्लेक्स नंबर सर, सर आई और इक्वल ऑल टू आई जे इक्वल टू, एन, एन बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ दोनों वही रहेगा। ठीक है, दोनों वही रहेगा, क्योंकि इसलिए आई और जे कॉमा लेके लिखने का मतलब ये होता है आई और जे जो है वन से लेके एन तक रन करेगा, जे भी वन से लेके एन तक रन करेगा, ऐसे। ओके ठीक है, नोटेशन क्लियर। हाँ, कुछ और बोलना चाह रहे हैं? और ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। हाँ जी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का कलेक्शन है, इसको अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेज। क्या कि नोटेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सभी से पूछ रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो छोटा छोटा चीज अभी दिख रहा है ना क्वेश्चन में, तो यही सब दिखेगा, और वहां पे वो रिस्पॉन्स करना चाहिए अपने आप को, माइंड में रिस्पॉन्स करना चाहिए कि एक्चुअली ये कैसे वर्क कर रहा है। तो अभी से उसी को देखेंगे, धीरे धीरे वो चीज़ें क्या होगा ऐड होगा क्वेश्चन में, अच्छा रिस्पॉन्स, क्योंकि पहले से अवेयर रहेंगे वो सभी चीज़ें से। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेज, ऑल स्क्वायर मैट्रिसेज, डबल मैट्रिसेज हो गया, मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर एन विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। बाकियों को भी लैंग्वेज वेस इस टाइप से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल कोई दिक्कत किसी को लिखने में तो लिख सकते हैं आप। राहुल, ठीक है, यस सर, चलिए तो एक बताते, यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ लिखते हैं, वो जो है थोड़ा सा उसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे वो बता देना। एस इज इक्वल टू है कलेक्शन ऑफ एंट्रीज, यहाँ ले रहे हैं क्या, एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से, इंटीजर से, मोड ऑफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इससे क्या समझते हैं? सर इसका एक्स का वैल्यू जो -2 से 2 के बीच मिलेगा और इंटीजर से बिलोंग करेगा वो। जैसे मैं तो लिख के बता दो मुझे क्या क्या लिख, बताओ। -2, -2, -1, -1, 0, 1, 0, 1, 2, है ना? 2। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि इसको अगर थोड़ा सा इलिबरेट करें तो यहाँ देख रहे हैं कि मोड जो है, मोड ऑफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 2 है, प्रॉपर्टी कहता है, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रॉपर्टी कहता है कि मोड ऑफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ये है और ये पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव है, ऐसे है, तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू जो होते हैं इस टाइप से चेंज हो जाता है। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जो भी, जब भी जरूरत पड़ेगा इसके, जहाँ पहुँचेंगे तो वो चीज़ें दिखेगा। तो कहता है यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो ये -2 से लेके 2 के बीच में, इसको दूसरे रूप में भी ऐसे लिख सकते हैं, ये जो सेट देख रहे हैं ना, इस सेट को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका तो मतलब हो गया ये वाला, राइट, इसका मतलब हो गया ये वाला, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वैसे वैसे इंटीजर का कलेक्शन करेंगे जो -2 से लेके 2 के बीच में होगा, बात वही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, सिंपल से चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में या फिर थोड़ा सा डिफरेंस वे में क्या किया जाता है, लिखा रहता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्या कर दिया गया, पता नहीं क्या लिखा है, तो उस टाइम सोचना है, अच्छा ये ऐसा लिखा है, अच्छा ऐसे बोल रहा है कि वैसा वैसा इंटीजर जो -2 और 2 के बीच में है, तो कौन कौन है, तो ये है, तो एक्चुअल में ऐसे देखेंगे तो लगेगा कि अच्छा अब अच्छा लग रहा है देखने में, इसमें थोड़ा सा इस टाइप से चलेंगे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा, और ऐसे चलेंगे तो लगेगा पता नहीं क्या लिख रहे हैं, है ना? तो ये सभी चीजें इक्वैलेंट है, सिंपल। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग सेट की बात कर रहे हैं तो हम लोग ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये सब को भी बात कर लेते हैं, तो उसको डिफाइन ही कर लेते हैं यहाँ पे।
क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए लेस देन बी है देन, ये एक नोटेशन है, ये जो नोटेशन है ये एक नोटेशन है और इस नोटेशन का जो मतलब है द कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन बिटवीन ए एंड बी, ये हो गया लैंग्वेज बेस्ड। ठीक, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो वैसे वैसे रियल नंबर का कलेक्शन सच दैट जो ए और बी के बीच में होगा और ए और बी भी हो सकता है ऐसा, ये हो गया नोटेशन। मतलब इसका मैथमेटिकल वे में या लैंग्वेज बेस्ड में इसको बोलेंगे दिस इज ए नोटेशन, और इस नोटेशन का एक्चुअल मतलब ये है और इस नोटेशन का ज्योमेटिकली मतलब यहाँ पे है कि मान के चलते हैं कि ये ए है क्योंकि ए जो है लेस देन है और बी जो है ग्रेटर देन है, और बी अगर हम लोग यहाँ ले रहे हैं तो इसके बीच में जो भी नंबर्स होंगे रियल नंबर्स, इसके बीच में जितने सारे रियल नंबर्स होंगे वो सब का क्या हो जाएगा, ये कलेक्शन हो जाएगा, यही हमारा क्या है क्लोज इंटरवल ए बी, ये पूरा का पूरा इस सेट के बीच में जो भी नंबर्स जाएंगे वो सब क्या कहलाएगा ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। ओके ठीक है, यानी यहाँ पे कोई नंबर ले लेंगे तो भी बिलोंग करेगा, तो एक क्वेश्चन है बताएं, छोटा सा क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड। सर कुछ पूछ रहे हैं, हाँ जी बोलो। सर बोल रहे हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा आर में, ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो सर हम कैसे समझेंगे कि नहीं ई क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल? कौन क्लोज इंटरवल है कौन ओपन इंटरवल है कैसे समझेंगे? मतलब सर यहाँ लिखे हैं क्लोज इंटरवल लिखे हैं ना ए बी देन हाँ करके, तो वहाँ पे अच्छा सेट में हमेशा क्लोज इंटरवल ही लिखा है। देखो ये एक नोटेशन है ना, एक नया चीज को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, इस नया चीज के ये तो एक देखने का सूरत हो गया, नेचर कैसा है जी, ऐसा मतलब वैसा सेट जो ये दो नंबर के बीच में या उसको इंक्लूड करता हुआ जितने सारे नंबर्स होंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी नंबर्स होगा रियल नंबर्स सब नंबर्स को इकट्ठा कर दिए सेट में जाके रख दिए, और रखने के बाद नया सेट वो हो गया एक सबसेट होगा आर का, तो वो जो सेट होगा वो क्या होगा तुम्हारा उसका नोटेशन जो है इस टाइप से लिखा जाता है माना गया है, जैसे एन का बोलते हैं कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन को एन से डिनोट करते हैं उसी टाइप से इस सेट का नोटेशन है ये, तो नोटेशन में फिर तो रहेगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो ये सभी चीजें कर चुके हैं, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे लिखते हैं कि 0 से 1 क्लोज इंटरवल, तो इससे क्या समझते हैं हम लोग बोलो, 0 लेस देन इक्वल टू यानी वैसे एक्स, वैसे रियल नंबर्स जो क्या हो 0 से लेके 1 के बीच में हो और 0 1 भी हो सकता है इक्वलिटी के साथ, तो बस वही चीज है। वो जो सर लिखे हैं जैसे ए लेस देन इक्वल एच लिखे हैं, अगर इक्वल नहीं रहेगा तब सर क्लोज होगा ना, ओपन हो जाएगा ना, जैसे बी के जगह पे, अभी ओपन नहीं बात की है, ओपन मतलब अगर जैसे दोनों साइड से हटा देंगे तो फिर ओपन हो जाएगा। अब जैसे देखो 0 से लेके 1 के बीच में कितने नंबर्स हैं जी, बहुत सारे नंबर है ना, 0 है 1 है 1/2 है 1/3 है 1/4 है, और उसके हिसाब से बहुत सारे इरेशनल नंबर भी है, 1/√2 है 1/√3 है 1/√100 है 1/√1000 है, बहुत सारे नंबर्स है 0 से लेके 1 के बीच, यही मान लो 0 ये 1 है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स है, उस जितने सारे नंबर्स है उसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो अनकाउंटेबल सेट्स होते हैं, इस कारण से वो जो सेट्स है वो कैसा सेट है उस सेट को जो है इनफाइनाइट सेट है, और इसका ज्योमेटिकली मतलब बता रहे हैं कि इसके बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो सब जो है उसको एक सेट में रख दिया गया, उसको एक नाम दे दिया गया, उसको एक नोटेशन दे दिया गया जिसको हम समझ सकें सिंपल तरीके से, तो वो नोटेशन है ये। नोटेशन यूज क्यों करते हैं, तो नोटेशन यूज करने का जो मेन पर्पस होता है उसको क्या करना सही तरीके से समझना,
सही वे में उसको समझने की जरूरत होता है, इसलिए ऐसा टेक करते हैं। या सिंपल तरीके से कि मुझे ज्यादा स्पेस नहीं ले, इसलिए ऐसा करते हैं। ये एक नोटेशन है, जैसे तुम्हारा नाम है, ठीक है, किसी का भी नाम है, तो वो नाम है तो वो तो ठीक है कि वो जानने के लिए। अब ऐसा थोड़ी कहेगा कि मान के चले तुम्हारा नाम नहीं रहे तो तुम्हारे गांव के नाम से टहलता हुआ जाएगा कि अच्छा ये इस गांव का है, इसके पिताजी का नाम ये है और उसका दूसरा वाला बेटा ये है, तो इतना करेंगे घुमा घुमा के तो अच्छा लगेगा तुमको? नहीं ना लगेगा बार बार। चलो एक बार कह दोगे, बार बार जब भी बोलेगा तो अच्छा लगेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है, तुम कहोगे कि वैसा वैसा रियल नंबर जो आर में बिलोंग करता है, यानी रियल नंबर्स है जो 0 और 1 के बीच में लाए करता है और 0 1 भी हो सकता है, मतलब ऐसे। तो तुम खुद सोचो, ऐसा लिख रहे हैं तो हम लोग जानते हैं। अब सपोज करो कि तुमसे क्लासेस में अवेयर है, तुम्हारे जितने सारे नेचर हो सकते हैं, मिनिमम चीजें जो भी है कि जे जानते हो, इस सेट के बारे में जितना जानते हो उतना जान रहे हैं। तो जैसे तुम्हारे बारे में क्लासेस में आए, तुम्हारे बारे में सब जान रहा है, यहाँ ऐसा है नाम है ये, तो जब भी बोलेगा तो नाम कहाँ जाएगा? अच्छा ये, वही चीज यहाँ पे भी है। तो नाम बोला तो पूरा का पूरा तुम्हारा शकल दिखेगा, अच्छा ऐसा दिखता है वो, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आते हैं, है ना, ऐसा नेचर है, ऐसे बातें की है, इस टाइप से बहुत सारी चीजें उसमें क्या हो जाएंगे, एक्सप्लेन होके आएगा तुम्हारे माइंड में। तो यही चीज यहाँ पे भी है, इसको भी अपना फ्रेंड की तरह समझें कि 0 से लेके 1 है, ये इसका नाम है जो सभी लोग जानते हैं, और इसका नेचर है क्या, ये इसका नेचर ये है, और इस तरह का नेचर जेमेटिकली नेचर ऐसे है, बस और कुछ करना थोड़ी इसमें, ये माना गया है। अब ठीक है, किसी को और प्रॉब्लम है तो बोले, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करते हैं, बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ट्रू। ये देख रहे हैं, इज और आर ट्रू। अब क्वेश्चन को पहले समझते हैं, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला है कि ए प्लस बी बाई टू दिस इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा है ए माइनस 3b/2, ए माइनस 3b/2 ये जो है बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, ऐसे कर लो। हाँ ठीक, दिस इज बिलोंग्स टू a/a to b। नेक्स्ट है c नंबर, 3a+2b/7 दिस इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। डी नंबर है a-b/2 दिस इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ई है b-a/2 दिस इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। हाँ जी, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से जो दिया गया जो ऑप्शंस है वो कौन सही है। तो ये कह रहा है कि हो सकता है कि एक ही सही हो, इज मतलब एक ही ट्रू हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा भी ट्रू है। तो ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं, ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा बताए थे MSQ। MSQ मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें आंसर के जो संख्या है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं MSQ, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है कि एक से ज्यादा हो सकता है। ये बोल रहा है कि ईज आर मतलब एक भी हो सकता है और ये एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक रहेगा तो ईज बोल रहा है, अगर एक से ज्यादा रहेगा तो आर समझे, मतलब तुम्हारा है, और आंसर क्या होगा वो बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, तब आंसर बताओ कोई भी। सर फर्स्ट होगा ही, उसके बाद ए और ई होगा सर, ए और ई, डी होगा सर, ABCD, सर ए ए ई बी भी सी होगा डी सर, ई भी होगा ए सर, बी सी डी ई एफ ना ई भी सर, ए बी होगा सी डी है सर, एफ नहीं है, एफ, ए और ई तो पक्का होगा सर। ए और ई पक्का होगा, रौनक बोल रहा है। चलो बाकी के लिए अभी कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, अच्छी बात है, आगे चलते हैं। बोले सर हाँ जी ए बोलिए बी ना, सी डी सब हो जाएगा सब हो सर, जाएगा ए ए बी सी डी हो जाएगा सर, सर, ए और सी होगा सर।
ए और बी सी सी डी रूट। होगा, ए बी सी ए डी। बी सी डी। अच्छा ठीक है, अब पूछते हैं। संजय आया है? नहीं है, नहीं है आज। अच्छा इसलिए लगता नहीं बोल रहा। ठीक है, और अवनीश। यस सर, मुझे लग रहा है सर कि ए और बी होगा इसमें। अच्छा ए और बी होगा, चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी समझना ठीक है। कैसे से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं, ये ऐसा थोड़ी कि सेट नहीं सर पढ़े, पढ़े। हाँ बोलो, हमको अब लग रहा है सारा होगा सर। कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। तुमको लग रहा है सारा होगा, चंदन बोला ए बी सी डी, चंदन कुमार, सिर्फ चंदन मतलब सिर्फ चंदन। सी में बी माइनस 9 लिखे हैं, बी माइनस ए लिखे। 9 कहाँ से आ गया जी, BY2 है ना, कौन सा ए वाला, लिखे हैं ना, ये बी वाला, सी वाला। इसीलिए तब तो सी हो जाएगा, ये सब चारों हो ये है, जाएगा, ए है, 9 कहीं नहीं लिखे हैं। ठीक ए तब चारों हो जाएगा, तब चारों हो जाए, पांच को है, पांचों बोल दो ना। पांचों हो जाएगा। गुलफाम, क्या लगता है, जी क्या लगता है? सर, ए बी डी और ई लग रहा है। ए बी डी और ई लग रहा है। अच्छा खुशी, आवाज आ रही है अब, पता नहीं इसका आवाज नहीं पूछता। मुकेश। यस सर, हाँ जी सर हमको अभी इतना नहीं पता है सर, चेक एक बार चेक करके बताइए तब सर समझेंगे हम सर। अच्छा, कैसे चेक करते। जी सर, सुमित। तो बोलिए तो ये पांचों होगा, तब दो सुमित है यहाँ पे, एक और सुमित है, तो उस नाम रखना पड़ेगा। नाम रखना पड़ेगा, पता नहीं लगता, आवाज नहीं जा रहा। सुमित आवाज आ रही है? यस सर, हाँ ए तो डेफिनेटली होगा, लेकिन कैलकुलेट नहीं किए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, ए तो होगा ही, अच्छा वैल्यू पुट नहीं ठीक किए हैं, मतलब देखे नहीं है पुट करके। है, कोई ठीक नहीं, है कोई नहीं, जी, ओके ठीक है, सर ओके पूरा नहीं बाकी होगा, ए बी एंड सी होगा। ए बी एंड सी होगा। यस सर, चलो अब हम करते हैं ना, राहुल कुछ बोलेगा? सर हम बोले सर कि ए और सी होगा सिर्फ, हम अंजनी कुछ बोल रही है? सर ए एंड सी होगा। यस सर, ए ए एंड एंड सी सी, मेरा भी है। चलो तो देखते हैं, तो अब ए और सी होगा, तो बाकी को काटने के लिए कुछ बता सकते हैं? यस सर, 1 से 2 के बीच में ले लिए सर, क्लोज में करके फिर एग्जाम्पल चेक। से पहला देखो, ये अच्छा किया। सर अगर सर सर 1 मिनट सर, ई कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे फिर सर नेगेटिव माने लगता है सर। हो सकता है, हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, कंफ्यूज हाँ सर, हो गया। देखो करते, अब ऐसे क्वेश्चन है तो पहले जो है हम लोग जैसा कि डिफिनीशन समझते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका जो डिफिनीशन है उसको पहले सर समझ लेंगे। बीच में कुछ बोलना चाहते हैं रक्षचंदन? हाँ सर, ए एंड सी होगा, बी कट जा रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग टेक किए हैं ए बी, इस टाइप से टेक किए हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, ए और बी का वैल्यू टेक करके लेंगे, ए और बी का वैल्यू टेक करके लेंगे, ए क्या है और बी क्या है, एक पार्टिकुलर वैल्यू ले लेंगे। तो जब ऐसे डिफाइन करते हैं तो माइंड में चलना चाहिए ये डिफिनीशन है ऐसा, तो क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए टेक कर सकते हैं क्या, ए इक्वल टू ले सकते हैं 1, और बी इक्वल टू क्या ले लेते हैं 2 लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, ऐसा लेके देख सकते हैं। तो अगर अधिक ऐसा भी तो ले टेक, सकते हैं, हाँ अधिक भी तो ले सकते हैं, एक जगह पे, क्या ले सकते हैं एक जगह पे 4 या बी की जगह पे 5 भी सर, तो ले बिल्कुल सकते ले हैं। सकते हैं, हमने क्या बोला 100 ले लो, 1000 ले लो, 1 से लेके 50 तक ले सकते हैं, 1 ले लो या बी को 50 ले लो, ऐसा ले सकते हैं, हम तो सिर्फ एग्जाम्पल लिए, और वो फ्री है ठीक है, इकाता है और भी रियल नंबर से, मतलब ये चीज है फ्री है लेने के लिए, बस ऐसा लेना, डन। डिफिनीशन को, इम्पोर्टेंस को समझें, अच्छा ऐसा बोला है क्या, मतलब हम फ्री है लेने के लिए ये बोल रहा है, तो खुद डिसाइड करना है। हाँ अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप तो बता रहे हैं कि, जैसे सपोज करो कि आप ऐसा बताएं कि ऐसा सिचुएशन रहता है तो ऐसे समझते हैं कि हाँ फ्री हो सकता है, तो कभी भी ऐसे डिफिनीशन में ऐसा सिचुएशन हो, इस तरह का माहौल हो, तो उसको क्या करेंगे, समझेंगे कि वो फ्री है,
यहाँ पे अगर 1 2 ले लेते हैं, तो 1 2 ले लेंगे तो ये जो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, तो ए वाला तो ऑप्शन तो यहाँ से देख सकते हैं, ऑप्शन वाइज अब चलते हैं तो 1 + 2 इज इक्वल टू 2/2, तो ये हो जाएगा 3/2, ये कितना हो गया जी 1.5। तो ये कहता है क्या कि 1 से 2 के बीच में जितने सारे रियल नंबर होंगे, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो है, ये अगर हम लोग लिए 1 और ये 2 ले लिया गया, इसके अकॉर्डिंग जो है 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर्स है, इसका क्या है, ये रियल नंबर्स का कलेक्शन। तो क्या ये बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल, ये तो बिलोंग कर रहा है। 1/2 जो है कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। 1/2 कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा। 1/5 यहाँ पे बिलोंग करेगा, तो ये बिलोंग कर रहा है किसमें? क्लोज इंटरवल ए बी में, मतलब 1 से 2 के बीच में। ये एग्जाम्पल के बेस पे है। दूसरा वाला एग्जाम्पल से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे इसको ऐसा नहीं कि ये सही हो गया अभी तक, अभी सही नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सबके लिए जो सही रहेगा वही टेक करेंगे। तो ये वाला देखते हैं, a - b/2, a - b/2, तो ये करेंगे यहाँ पे क्या होगा, a - b/2, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू जी 1 है, b मतलब 2/2 है, ये हो जाएगा 1 - 1 0। 0 बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में? नो सर, नहीं होगा। अच्छा नहीं कर रहा है ना, तो ऐसे लिख देंगे दिस इज डज नॉट बिलोंग टू, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, सिंपल। ये तो अगर एक एग्जाम्पल के लिए कट गया तो ये सही बोलेंगे ये कि हमेशा ये सही है, ऐसा नहीं ना बोल सकते हैं। तो ये जो है तुम्हारा बी वाला कैंसिल हो गया, बी वाला सही नहीं होगा। तो जो हमेशा सही होने वाला है वो वाले टेक करेंगे, ऐसा नहीं कि कभी भी सही नहीं होगा। क्या ये हमेशा गलत होगा? कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं जो बिलोंग भी करे? -1 से 1 तक सर 0 1 रखेंगे तो नहीं होगा। 0 1, हाँ ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, तो जी सर, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो होगा, तो ये तो -1/2 हो गया ना, तो नेगेटिव में चला जाएगा, जी सर, वो नहीं होगा। और कौन बोला? तो हम यस सर, ई वाला एग्जाम्पल में -a = -1 ले लेंगे और b = 1/2। b = 1/2 यस, देख चेक करना। देखो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे देखो इसी में ले रहे हैं, इसी एग्जाम्पल में इफ वी टेक, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। इफ वी टेक a = -1 और b = ले लेते हैं, क्या ले ले, 1, 1 भी ले सकते। 1 भी ले सकते हैं ना, तो a - b/2 -1 - 1/2, ये हो जाएगा। इसको ऐसा ही रहने दो, इसको प्लॉट करते हैं, ठीक। इसको जब प्लॉट करेंगे यहाँ पे तो ये मान के चलते हैं कि ये -1 है और ये 1 है और ये 0 है। तो -1 से क्या है, ये वाला जो वैल्यू आएगा ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा? -1 से छोटा होगा, इधर चला लेफ्ट में जाएगा। जाएगा सर, -1 कहाँ हो रहा है? के लेफ्ट में होगा सर, हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो नहीं होगा सर। कह रहे हैं ये हमेशा गलत होगा या हो सकता है, तो इसको प्रूव करते हैं। आउट ऑफ लग बाउंड्री रहा है जा कि रहा है सर। जैसे कि ये हमेशा गलत ही होगा, लग रहा है ऐसा, इसको प्रूव कर सकते हो, इसको करके लाना, ठीक है, ट्राई करना है कि ये कभी भी बिलोंग नहीं करेगा इन जनरली। कैसे करेंगे हम बताएंगे, ये वाला बताएंगे कि इसमें कैसे बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग कैसे करेगा वो बताना है। एक एग्जाम्पल से तो काट दिए, चलो ठीक है, ये वाला जो है वो देख लेंगे, अभी इसको प्रूव करना पड़ेगा, ये सही हो जाएगा। अभी फिलहाल अगर सी को देखें, सी नंबर को, तो सी नंबर क्या देगा, सी नंबर है 2a - 3a + 2b/7, ये बताओ, ये हो जाएगा यहाँ पे ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से थ्री जी प्लस हो जाएगा, 3 + 6 है 4/7 यानी 1, ये बिलोंग कहाँ पे कर रहा है, दिस इज बिलोंग्स टू 1 to 2। अच्छा अभी फिलहाल ये सही हो रहा है। डी नंबर में देखें तो
ए माइनस बी, ए माइनस बी बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा ए वन माइनस टू बाई टू, दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ से बोलेंगे कि डी जो है वो गलत हो गया, क्योंकि सबके लिए सही नहीं, इस एग्जाम्पल के लिए सही नहीं है। एंड वैसे वैसे ऑप्शन को एक बार फिर से बोल रहे हैं, उस चीज को सुनना है क्या बोल रहे हैं, कि ऐसे सिचुएशन में हमें वो वाले को टिक करना है जो सभी एग्जाम सभी ए और बी के लिए जो होल्ड करता है, क्योंकि ए और बी यहाँ पे आर्बिटरी है, ठीक है, फ्री है ये अभी, तो वैसे वैसे ऑप्शंस को टिक लगाना है जो सबके लिए सही है, अगर किसी एक एग्जाम्पल के लिए या किसी एक ए और बी के लिए अगर वो कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, देखो ये वाला भी नहीं कहें कि ये सही है, नहीं बोल रहे हैं अभी फिलहाल, सी को भी नहीं बोल रहे हैं कि ये सही है, क्योंकि एक एग्जाम्पल के लिए सही हो गया है, हाँ, लेकिन उसको तभी टिक करेंगे जो सभी एग्जाम्पल के लिए सही होगा, यानी उसको पहले इन जनरली तरीके से प्रूव करना पड़ेगा, ये बातों को समझना है कि किस सिचुएशन में क्या करना है ना, काटने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल को ही हम लोग क्या किए, उसके हेल्प से उसको ब्रेक कर दिए कि वो नहीं हो सकता है, सही नहीं है हमेशा, ऐसा बोल रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ कुछ केसेस में कुछ कुछ एग्जाम्पल के लिए सही हो जाता है, कुछ कुछ एग्जाम्पल के लिए सही नहीं होता है। डी नंबर हो गया, ई नंबर को देखें, ई नंबर है बी माइनस ए बाई टू, तो बी का वैल्यू है टू माइनस वन बाई टू, यानी कि वन बाई टू, ये बिलोंग करेगा वन बाई टू, नहीं दिस सर, इज डज नॉट बिलोंग्स टू वन बाई टू, तो यहाँ से जो है ई कैंसिल हो गया, तो जो बाकी बोल रहे थे तो यहाँ से देख सकते हैं कि डी और ई तो है ही नहीं और नहीं बी है, तो बचा हुआ जो कौन बच रहा है जी, ए नंबर और सी नंबर, ई और सी बच रहा है। अब ई और सी में अगर ये सही है तो सभी के लिए सही होना चाहिए, तब इस पे कंसंट्रेट करते हैं, इसको जनरल तरीके से सही करते हैं, तो इससे ये फायदा हुआ ना कि इसको आप जनरल तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है, इन दोनों पे सोचेंगे क्योंकि ये तो कट ही गया तीनों, तो अब चलते हैं। सर हाँ ई क्यों नहीं हुआ सर, 1/2 आ रहा है ना ई में। कौन बोला ये वन बाई टू, तो वन बाई टू बिलोंग करता है वन बाई वन से लेकर टू के बीच में, सॉरी 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 सर, ओके फोर यस सर। ए के लिए चलते हैं, फोर ऑप्शन ए के लिए, फोर ऑप्शन ए के लिए यहाँ पे जो है ए प्लस बी बाई टू है ना, यही है हमारा, इसको मान लेते हैं क्या, इसको सी मान लेते हैं, लेट करते हैं, ठीक ओके। जैसा कि देख रहे हैं कि सिंस ए जो है लेस देन है बी से, ऐसा है ना, ए जो है लेस देन है बी से, ये तो देख ही रहे, उसके बाद क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी करेंगे, दोनों साइड बी ऐड कर देते, तो दोनों साइड बी ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी लेस देन क्या हो गया टू बी, और ए प्लस बी बाई टू लेस देन बी। एक बात बताओ कि अगर ये सही है, इसका मतलब ये जो ए प्लस बी है यानी कि सी जो है वो बिलोंग करेगा ए बी में, कब, इसमें जाने के लिए कौन सा रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, एज लेस देन बी रहना चाहिए सर, और प्लस बी बाय टू होना चाहिए, बी से छोटा। और कुछ ना, यार ये होना चाहिए अब ए से बड़ा, बी या बी से छोटा। हाँ ये वाला डिफिनीशन कि वैसा वैसा रियल यस सर, नंबर जो ए और बी के बीच में हो, इक्वालिटी भी चलेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वही काम करना है। अगर मुझे ये शो करना है कि ये जो नंबर है, क्या ये नंबर जो है सच में इसमें बिलोंग करता है क्या, तो इसमें बिलोंग करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये जो है एक्स जो है इसमें बिलोंग तभी करेगा जब वो नंबर वो ए और बी के बीच में रहेगा, अगर हम चाहते हैं कि इसको शो कर देना, क्योंकि एग्जाम्पल से लग रहा है कि हो सकता है ये, तो जनरली शो करने की कोशिश करेंगे, तो क्या कोशिश करेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, किस डायरेक्शन में सोचेंगे, तो हमारा डायरेक्शन ये होगा कि इसको ये शो कर दें कि ये दो नंबर ए और बी के बीच में क्या कर रहा है, ये लाई कर रहा है, यही सोचेंगे। तो पहले सोचना क्या है ये समझ में आना चाहिए कि सोचना कैसे है, और किस बेस पे पता चलेगा कि क्या सोचना है, तो इसके डिफिनीशन को देखेंगे, और इस डिफिनीशन में कहता है कि ये तभी बिलोंग करेगा जब ए और बी के बीच में वो नंबर होगा, तो ये नंबर अगर इसमें बिलोंग हो रहा है तो मुझे ये शो करना पड़ेगा कि ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, वही करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये जैसा कि जान रहे हैं कि ये तो हमें दिया गया है,
ये तो है ही, पहले से पता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ कहीं से इकट्ठा करके ले आए, नहीं ये तो है। अगर आप बोल रहे हो कि क्लोज इंटरवल ए बी डिफाइन कर रहे हैं तो ये चीज है वहां पे, तो ऐसा हो गया। तो ए प्लस बी जो है और बी प्लस बी ऐसा हो गया, दोनों साइड बी जो है ऐड कर दिए इक्वालिटी का, इनइक्वालिटी का जो प्रॉपर्टी से, ए प्लस बी जो है दोनों साइड यहाँ से, तो यहाँ से ये लग रहा है कि ये तो कह रहा है कि बी से छोटा हो गया। अच्छा है, बी से तो छोटा हो गया है, हम ये सर वाला ए वैल्यू। ऐड करेंगे, अब ए को सर भेजेंगे राइट साइड और ए ऐड करेंगे। हाँ, अब दूसरा ए में क्योंकि ए लेस देन बी है, बिल्कुल। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड ए जो है ऐड कर देते हैं, यही बोल रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा a प्लस बी, यानी a प्लस बी बाई 2, तो ऐसा बोल सकते हैं। देन ये जो a जो है या a प्लस बी जो है बाई 2, इसके बीच में लाई कर रहा है, तो a और b के बीच में लाई कर रहा है ना, तो a और b के बीच में लाई कर रहा है, डेट इज करके ऐसे बोलेंगे कि ये a और b यानी c जो है a और b के बीच में लाई करता है, तो बाय डिफिनीशन, डिफिनीशन में इक्वलिटी भी है, देख रहे हैं। तो अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि एकदम इक्वल भी होना चाहिए, इक्वल तो इसका तो दोनों मतलब होता है ना, कि चाहे तो लेस देन हो जाए या फिर इक्वल हो जाए, दोनों भी चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि स्ट्रिक्टली लेस देन है, मतलब इक्वलिटी का सिचुएशन नहीं है, तब भी ये बिलोंग करेगा, ये सी बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए बी में बाई डिफिनीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, समझे। तो कैसे चेक करना, कैसे सोचना है, यानी कि ए प्लस बी बाई 2 बिलोंग कर रहा है ए बी से, चला गया ये। ऐसे सर सबके लिए चेक कर सकते हैं। ऐसे भी इसको चेक करके लाना, सी वाले नंबर, इसको बताना है कि क्या ये हमेशा ऐसा होगा कि कभी भी बिलोंग नहीं करेगा ये, तो बिलोंग नहीं करेगा बिलोंग इसमें, इसका मतलब क्या सोचेंगे, तो करेगा लेकिन सभी में नहीं करेगा। नहीं ये बोल रहे हैं कि मान के चलते हैं कि ये सभी के लिए सही नहीं है, ये भी के लिए, किसी के लिए, तो क्या शो करोगे कि चाहे ये इधर होगा चाहे इधर होगा, यही ना शो करेंगे। तो इधर होने का मतलब क्या है, ए से छोटा हो जाएगा नहीं तो बी से बड़ा होगा, ये शो कर दो, दोनों में से कोई एक शो कर देंगे, इसका मतलब फिर ये क्या होगा, इसमें बिलोंग नहीं करे, तो नहीं करने के लिए चाहे तो इधर चला जाए वो एलिमेंट, यानी ये वाला सी मान लेंगे इसको, तो चाहे तो सी यहाँ पे हो जाए या यहाँ पे हो जाए। आउट ऑफ बाउंड्री सर ये प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ मतलब कोशिश करके देखना है कि हाँ ऐसा हो रहा है या नहीं, कैसे ये सोच रहे हैं, तो ये बेसिक चीजें था यहाँ पे, कैसे सोचना है वो देखेंगे, इसको ट्राई करके आएंगे तब इसको हम टिक लगाएंगे ये सही है या नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं आता, कुछ पूछना चाहते हैं? सर बी वाला तो हमेशा नहीं ना सही होगा सर। बी वाला इसके लिए गलत हो गया ना, एक के लिए है ना, यस सर, लेकिन सर अगर तो माइनस ये टू से तो -1 लेते हैं तो फिर सेटिस्फाइड कर जाता है -2 से -1 माइनस लेते हैं वन तो यस सर। -2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, तो -2 से -1 लेते हैं तो सेटिस्फाई करता है, सही है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये सबके लिए सही नहीं है, मतलब कुछ के लिए सही है कुछ के लिए गलत है, यही बोल रहे थे वहां पे एग्जांपल लेने के लिए। यस सर बिल्कुल, यहाँ पे इफ वी टेक ए का वैल्यू लेते हैं -2, बी का वैल्यू लेते हैं -1, तो ए माइनस बी बाई 2 हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये जो है तुम्हारा किसके बीच में है, तो यहाँ पे अगर नंबर लाइन देख रहे हैं तो ये हमारा है -2, ये है -1, तो -1 यानी -2 यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1.5 माइनस में, यानी -1.5, तो कहाँ पे आएगा बताओ, यहाँ पे आएगा ना ये वाला पॉइंट -1.5, तो ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, ये तो बिलोंग कर रहा है इसमें, ये जो है ए बी में बिलोंग कर रहा है, यानी कि -2 से -1 के बीच में ये बिलोंग कर रहा है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल लिए, एक ऐसा ए बी का वैल्यू लिए जो बिलोंग नहीं कर रहा था, एक ऐसा भी ए बी का वैल्यू ले लिए जिसमें बिलोंग कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो यही चीजें हैं, क्योंकि ये पार्शियली सही है, कभी कभी सही हो जाता है कभी कभी गलत हो जाता है, कभी कभी
हो जाएगा, ए और बी को चेंज करेंगे तो कभी हो जाएगा, जैसे यहाँ हो रहा है, कभी नहीं भी हो रहा है। तो ये कभी कभी सही हो सकता है, मे भी ये सही है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कभी सही नहीं होगा। ये तो पता चल गया कि ये कभी कभी सही है, बाकी को देखेंगे क्या ये हमेशा सही है, बिलोंग करेगा ये हमेशा। दूसरा इसमें देखेंगे कि क्या ये हमेशा गलत होगा, ये सभी चीजें को ऐसे चेक करेंगे, तो ट्राई सर करके। हाँ ये तो सर हमेशा सही रहेगा ना ये नंबर? ये तो प्रूवे कर दिए तो सही रहेगा ना जी, हाँ सर, हाँ सर, ये तो पूरा ए और यस बी आर्बिटरी लेके किए हैं, तो ये सही तो रहेगा ही, इसको तो ठीक के लगा दिए, हर एक ए बी के लिए वो सही है। सर। बी नंबर, तब तो ये दो केस निकलेगा सर। हाँ दो सर पॉसिबिलिटी होगा। हाँ सर बोले सर कुछ भी, हाँ ए और बी का कुछ भी वैल्यू लेके सर चेक करेंगे ना सर। हाँ ओके सर, लेकिन ऐसे मतलब चेक करना है, ठीक है? अगर मान के चलो कि ये वाला सही है, इसको अगर प्रूव करना चाहते हैं हमेशा वो सही है, तो ऐसे लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ए का वैल्यू 2 ले लिए और बी का वैल्यू 3 ले लिए तो लगेगा कि वो तो सही हो रहा है, लेकिन सबके लिए सही करवाना चाहते हैं तो जनरली लेके चलेंगे, कोई ए और बी का पार्टिकुलर वैल्यू नहीं लेंगे, इस टाइप से लेके चलेंगे, आर्बिटरी तरीके से। मतलब ए और बी को बोलना ही नहीं है, सिर्फ समझना है कि ए और बी ऐसा है, बस उसी के हेल्प से ये किए, जी सर, तब फिर वो सही होगा, सबके लिए तब सही होगा, ठीक है? ओके, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।